दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं शादी का एल्बम मोबाइल से कैसे एडिट करें। सबसे पहले तो हम जाएंगे पिक्सलैब में। पिक्सलैब में जाने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेंगे। बैकग्राउंड ले लिए। बैकग्राउंड लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद इसमें फोटो लाएंगे, जो फोटो का एल्बम बनाना है। फोटो ले लिए, इसको जगह पर सेट करेंगे। कर दिए। ये नीचा दिख रहा है, इसको मास्किंग करने के लिए यहाँ पर जाएंगे। यहाँ लिखा है एरर। एरर में जाने के बाद इसको बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे, यहाँ से हल्का मिटा देंगे। मिटाने के बाद ये चल गया, मास्किंग हो गया। फिर दूसरा फोटो लेंगे, दूसरा फोटो लिए। इसमें दिख रहा है बैकग्राउंड वाइट, वाइट बैकग्राउंड हटाने के लिए इरर्स कलर पर क्लिक करेंगे। कलर क्लिक इनेबल करके ये गायब हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये गायब हो गया। सेट कर दिया। फिर दूसरा फोटो लेंगे, फिर वहीं पे जाएंगे, एरर कलर इनेबल करके इसको बढ़ा देंगे। इसको छोटा करके यहाँ पर लगा देंगे। इसको छुपाने के लिए कलर चेंज हो सकता है, कोई भी कलर डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। कोई भी कलर मैनेज कर सकते हैं। देखिए कलर चेंज हो रहा है। ओके, इसको मास्किंग कर देंगे। घुस गया।
घुस गया थी के अंदर। उसको कॉपी करके डबल भी कर सकते हैं, डबल हो गया यहाँ पर भी लगा सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा मास्किंग कर लें। इसको बैकग्राउंड के अंदर भी छुपा सकते हैं कि बैकग्राउंड के अंदर छुप गया। बैकग्राउंड के अंदर इसमें फिर एक फोटो ले लेंगे। फोटो लेने के बाद जैसे कि ये फोटो ले लिए, फोटो को फिर वहीं से डिलीट कर देंगे। कलर से ऐसे मिला देंगे, छोटा कर लेंगे। लगा दिए, ओके। फिर इसको कॉपी कर लेंगे, डबल हो गया। इसको रोटेट कर लेंगे, यहाँ से रोटेट हो गया। यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट डिजाइन। इसको हल्का छोटा कर देंगे।